ये भारी भरकम कैमरी 19.2 किलोमीटर की माइलेज देती है। होंडा सिटी का ये वेरिएंट 26.5 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज देता है। ये कॉम्पैक्ट एसयूवी 28 किलोमीटर की माइलेज क्लेम करती है और ये टोयोटा ग्लांजा 31 किलोमीटर पर केजी की माइलेज क्लेम करती है। किसी भी कार के लिए इतनी ज्यादा माइलेज निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, और यहाँ तो हम सभी बड़े साइज की गाड़ियों के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये सभी गाड़ियां ऐसा इसलिए कर पा रही हैं क्योंकि ये सभी जैपनीज हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हैं। ग्लोबली टॉप हाइब्रिड मैन्युफैक्चरर्स को देखें तो सबसे टॉप पर टोयोटा और होंडा जैसे जैपनीज ब्रांड ही आते हैं, और अगर इंडिया की बात करें तो भी टोयोटा जैसे जैपनीज मेकर्स इंडिया में हाइब्रिड कार्स के मामले में बाकी सभी ब्रांड से काफी ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जहां एक तरफ जैपनीज ब्रांड्स धड़ल्ले से सिर्फ हाइब्रिड कार्स लेकर आए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इंडियन ब्रांड्स एक्चुअली उनके विरोध में दिखाई देते हैं। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब 2020 में जैपनीज ब्रांड्स ने हाइब्रिड कार पर जीएसटी कम करने की मांग करी थी तो इंडियन ब्रांड्स ने इनका विरोध करा था, जिसके कारण आज भी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार्स पर 43% टैक्स लग रहा है, वहीं ईवीज पर लगने वाले टैक्स सिर्फ 5% है। ये एक बड़ी ही अजीब सी सिचुएशन है क्योंकि एक तरफ हमारी सरकार चाहती है कि इंडिया कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ बढ़े, लेकिन वो हाइब्रिड्स को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं और उनका सारा का सारा ध्यान ईवीज की तरफ है, जबकि ईवीज के लिए इंडिया के अंदर इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर भी अवेलेबल नहीं है। इस वीडियो के अंदर हम इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे, साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कैसे जैपनीज कार ब्रांड्स हाइब्रिड व्हीकल टेक्नोलॉजी में इतने आगे निकल पाए जो इंडियन टू व्हीलर ओनर्स को कार ओनर्स बनाने के लिए इलेक्ट्रिक कार से ज्यादा हाइब्रिड कार्स कारगर हैं, और क्यों जैपनीज को ये लगता है कि इंडिया के नियर फ्यूचर के लिए हाइब्रिड कार्स इलेक्ट्रिक कार से ज्यादा जरूरी हैं। लेकिन इन सभी बातों से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर हाइब्रिड व्हीकल्स काम कैसे करते हैं। हाइब्रिड कार्स की डेफिनेशन पर आएं तो हाइब्रिड कार हर उस गाड़ी को बोला जा सकता है जो एक से ज्यादा टाइप के फ्यूल पर चल सकती है। अब इसमें पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी और इलेक्ट्रिक का कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन आज की डेट में हाइब्रिड कार्स की डेफिनेशन बिल्कुल बदल चुकी है। और आज जब हम हाइब्रिड कार्स की बात करते हैं तो वो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार्स होती हैं जिनमें आईसी इंजन और बैटरी पावर्ड इलेक्ट्रिक मोटर्स का कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि आज की डेट में हाइब्रिड व्हीकल्स का पर्पस फ्यूल एफिशिएंसी से ज्यादा CO2 एमिशंस को कम करना है। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार्स मेनली 3 प्रकार की होती हैं, माइल्ड हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड एंड प्लग इन हाइब्रिड। सबसे पहले हम माइल्ड हाइब्रिड की बात करते हैं तो ये वो आईसी इंजन से चलने वाली कार्स होती हैं जिनमें एक स्टार्टर मोटर लगी होती है विद ए स्मॉल बैटरी जो कि कार के इंजन से और रीजनरेटिव ब्रेकिंग से चार्ज होती हैं, और ये गाड़ी को इनिशियल एक्सीलरेशन के टाइम पर टॉर्क बूस्ट देती हैं जिसकी मदद से कार की माइलेज थोड़ी बेहतर होती है। लेकिन जिसकी बात हम इस वीडियो में मेनली कर रहे हैं वो है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार्स में जो आईसी इंजन लगा होता है वो अटैच जनरेटर से चलता है जिसकी मदद से बिजली बनती है, और इस इलेक्ट्रिसिटी से उन मोटर्स को पावर मिलती है जो कार्स के व्हील्स को डायरेक्टली पावर देती है। इंजन मोटर्स को पावर तो देता ही है, साथ ही साथ हायर स्पीड्स पर मोटर्स के साथ काम करते हुए व्हील्स को भी पावर देता है। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स के अलावा अगर हम प्लग इन हाइब्रिड्स की बात करें तो वो कार्स भी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जैसी ही होती हैं, बस इन गाड़ियों को हम एक्सटर्नली भी चार्ज कर सकते हैं और इनको प्योर ईवी मोड में चलाया जा सकता है बट विद वेरी लेस रेंज। अब अगर हम इस पूरे हाइब्रिड खेल को शुरुआत से समझें तो दुनिया की पहली हाइब्रिड कार 1889 में ही आ गई थी जो गैसोलीन इलेक्ट्रिक हाइब्रिड रेल कार प्रोपल्शन सिस्टम से चलती थी। इस कार को विलियम एच पेट्रोन ने बनाया था और अपने नाम का इस पे पेटेंट भी लिया था। पेट्रोन की ये टेक्नोलॉजी कार्स में तो फेल हो गई थी, लेकिन ट्रेन्स में इसका उपयोग शुरू हो गया, और आज की डेट में जो डीजल इंजन से चलने वाली ट्रेन्स होती हैं वो एक्चुअली हाइब्रिड होती हैं क्योंकि डीजल इंजन सिर्फ बिजली बनाता है। हाइब्रिड के इन्वेंशन के लगभग एक शताब्दी बाद यानी कि 1990s में एक बार फिर ऑटोमोटिव हाइब्रिड टेक्नोलॉजी चर्चा में आई, और 1997 में टोयोटा ने प्रियस नाम से अपनी पहली हाइब्रिड कार लॉन्च करी, और ये पहली मास प्रोडक्शन हाइब्रिड कार थी। टोयोटा के ठीक 2 साल बाद यानी कि 1999 में होंडा ने भी जापान और यूएस में अपनी पहली हाइब्रिड कार इनसाइड नाम से लॉन्च कर दी थी, और ईयर 2000 में टोयोटा ने प्रियस को यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में लॉन्च कर दिया था। टोयोटा की ये प्रियस सेडान बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रही और अर्ली 2010s तक टोयोटा ने इसकी 1.6 मिलियन यूनिट्स सेल कर दी थी। ये सब सुनने के बाद आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि 1990s में तो इमिशन रेगुलेशन इतने ज्यादा सख्त भी नहीं थे, तो फिर जापानीज को हाइब्रिड कार्स बनाने की क्या जरूरत पड़ी। 1990s में जापान इकोनॉमी एसेट प्राइस बबल के कोलैप्स होने के कारण काफी ज्यादा भयंकर रिसेशन से गुजर रहा था, और ये रिसेशन 1991 से चालू होकर 2002 तक चला, और इसकी वजह से जापान की इकोनॉमी $1 trillion तक श्रिंक हो गई। रिसेशन के कारण जैपनीज कार मेकर्स जैसे टोयोटा को चाइनीज और कोरियन से काफी तगड़ा कॉम्पिटिशन मिल रहा था, और कॉम्पिटिशन से आगे निकलने के लिए जैपनीज ऑटो मेकर्स ने हाइब्रिड व्हीकल्स को लॉन्च करा ताकि वो आईसी इंजन वाली गाड़ियों से ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियां बना सके। हाइब्रिड कार्स को लॉन्च करने के पीछे दूसरा कारण था जापान का एक फॉरेन क्रूड ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमी होना। जापान अपनी टोटल कंजप्शन का 80% क्रूड ऑयल इंपोर्ट ही करता है, और अगस्त 1990 में कुवैत के इराक पर इन्वेजन के कारण अक्टूबर तक क्रूड ऑयल के प्राइस 17 बैरल से बढ़कर 36 बैरल तक पहुंच गए थे, जिसका जापान पर सीधा असर पड़ा क्योंकि जापान के 90% ऑफ द क्रूड ऑयल केम फ्रॉम द मिडिल ईस्टर्न रीजन।
अब इन्हीं सब बातों की वजह से मॉडर्न हाइब्रिड कार्स का जन्म हुआ और अपनी डोमेस्टिक नीड्स के कारण जापान को इसकी अर्ली एडवांटेज मिली और आज हम देखते हैं कि जापान की कार बनाने वाली कंपनियों ने हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर महारत हासिल कर ली है। अब हम सीधा बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में हम पिछले कुछ टाइम से एक ट्रेंड देख रहे हैं कि जापानीज ब्रांड्स इंडिया में सिर्फ हाइब्रिड कार्स ही लॉन्च कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इंडियन ब्रांड्स का ध्यान पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक कार्स पर है। और ऐसा क्यों हो रहा है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें जापानीज ब्रांड्स के पर्सपेक्टिव को समझना पड़ेगा। मारुति सुजुकी के चेयरमैन आरसी भार्गवा का मानना है कि इंडिया में ब्लाइंडली वेस्टर्न मॉडल को रेप्लिकेट करते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च करने के बजाय हाइब्रिड कार्स को ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए। उन्होंने ये बोला कि इंडिया में 20 करोड़ टू व्हीलर कस्टमर्स कार्स पर अपग्रेड होना चाहते हैं, लेकिन पिछले 3 सालों में एंट्री लेवल कार्स के प्राइसेस 20% तक बढ़ने की वजह से उन्होंने कार्स पर अपग्रेड होने का आइडिया होल्ड कर दिया है। लेकिन जब 20 करोड़ कस्टमर्स अपनी पहली कार इंटरनल कंबशन वाली लेंगे तो इंडिया के क्लीन मोबिलिटी गोल्स एंड 2070 एमिशन टारगेट्स अचीव नहीं हो पाएंगे। और क्योंकि इलेक्ट्रिक कार्स की कॉस्ट अपने आईसी वर्जन के मुकाबले 2 टाइम्स होती है, तो वो कार्स नियर फ्यूचर में छोटी कार्स के ओनर्स के लिए उतना ज्यादा समझदारी भरा फैसला नहीं लगती है। लेकिन एक हाइब्रिड कार का प्राइस अपने आईसी वर्जन के मुकाबले 2 से 4 लाख रुपए ही ज्यादा होता है। लेकिन इस पर भी मिस्टर भार्गवा ने कहा कि इलेक्ट्रिक कार्स की तरह ही हाइब्रिड कार्स पर भी जीएसटी कम कर देना चाहिए, क्योंकि इससे ये गाड़ियां बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल हो जाएंगी। और उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आज इलेक्ट्रिक कार्स पर सिर्फ 5% जीएसटी लगता है, लेकिन हाइब्रिड कार्स पर लगने वाला जीएसटी 43% है, जिसके कारण हाइब्रिड कार्स काफी ज्यादा महंगी हो जाती हैं। और यही बात टोयोटा इंडिया भी सरकार से काफी टाइम से बोलती हुई आ रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आप में से सिर्फ 13% ही लोग ऐसे हैं जो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इवन दो गवर्नमेंट से कोई खास सपोर्ट नहीं मिल रहा है हाइब्रिड्स को, लेकिन ये देखने में मिल रहा है कि हाइब्रिड कार्स की मार्केट काफी तेजी से बढ़ रही है इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर फाइनेंशियल ईयर 2022 में बिकने वाली 2.7 मिलियन कार्स में से 4.2% मार्केट शेयर हाइब्रिड कार्स के पास था, जबकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के पास मार्केट शेयर 1% से भी कम था। और नोमूरा रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार इंडिया के अंदर 2025 तक हाइब्रिड कार्स की सेल डबल हो जाएंगी और तब तक जापानीज हाइब्रिड कार मेकर्स इनकी कॉस्ट को भी काफी कम कर देंगे। लोगों के लिए इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर हाइब्रिड कार को चूज करने के लिए 2 रीजन है, जिसमें सबसे पहला है हाइब्रिड कार से होने वाली कमाल की सेविंग्स और दूसरा है ईवी से जुड़ी हुई कुछ दिक्कतें। तो चलो पहले रीजन को समझने के लिए टोयोटा ग्लांजा हाइब्रिड का एग्जांपल लेते हैं। टोयोटा की एक कार 1.2 लीटर K12N माइल्ड हाइब्रिड इंजन के साथ आती है, जो 8.43 लाख प्राइस में 31 किलोमीटर पर किलोग्राम की माइलेज देती है। वही अगर हम टोयोटा ग्लांजा के पेट्रोल वर्जन की बात करें तो उसकी कीमत सिर्फ 70,000 रुपए ही कम है हाइब्रिड के मुकाबले। लेकिन जहां पेट्रोल की कार को 1 किलोमीटर चलाने में 4.5 रुपए का खर्चा आता है, वहीं सीएनजी हाइब्रिड को चलाने में सिर्फ 2.5 रुपए के आसपास आता है। और अगर आप 20,000 किलोमीटर चलाते हैं हर साल अपनी गाड़ी को, तो लगभग 3 साल के अंदर आप 70,000 रुपए वसूल कर लेंगे विथ 1.25 इंटरेस्ट रेट। और उसके बाद आप अपने डेली कम्यूट में ऑलमोस्ट आधे पैसे बचा रहे होंगे एंड कार्बन इमिशन भी काफी कम होगा आपका। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक कार्स में कार्बन इमिशन ज्यादा होता है या उनसे सेविंग्स नहीं होती, लेकिन ईवीज के साथ कुछ बहुत ही सारी प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई हैं जो हाइब्रिड कार्स को ईवीज के मुकाबले एक बेटर ऑप्शन बनाती है इंडिया में फिलहाल। तो जैसे इनफ चार्जिंग स्टेशन ना होना या इलेक्ट्रिक कार्स को चार्ज होने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगना। जैसे ऑन एन एवरेज एक इलेक्ट्रिक कार को चार्ज होने में 30 मिनट से 1 घंटा लगता है, वो भी फास्ट चार्जिंग में, और अगर आप स्लो चार्जिंग करते हो तो 4-5 घंटे भी लग सकते हैं। आज भी इंडिया के अंदर 75% इलेक्ट्रिसिटी कोयले से बनाई जाती है, और अगर सभी इंडियंस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को खरीदते हैं तो कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज्यादा कम नहीं होगा इंडिया का, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को भी और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। ये सब सुनने के बाद हमारे मन में एक सवाल उठना चाहिए, और वो ये कि इलेक्ट्रिक कार्स में अगर इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं तो टाटा और महिंद्रा जैसे इंडियन जायंट्स हाइब्रिड कार्स को सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं? एक्चुअली सपोर्ट करना तो दूर की बात है, जब नवंबर 2020 में टोयोटा सुजुकी और होंडा जैसे हाइब्रिड कार मेकर्स ने सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के सामने एक प्रपोजल रखा था कि बजट रिकमेंडेशन में गवर्नमेंट को हाइब्रिड कार्स पर जीएसटी कम करने को कहा जाना चाहिए, तो टाटा मोटर्स महिंद्रा और होंडा जैसे ईवी मेकर्स ने इसको अपोज किया, जिसके बाद SIAM ने अपने फाइनल बजट रिकमेंडेशन में इस प्रपोजल को ड्रॉप कर दिया। अब डोमेस्टिक प्लेयर्स के हाइब्रिड कार को अपोज करने के भी 2 रीजंस हैं। पहला कारण तो ये है कि टाटा और महिंद्रा ईवी सेगमेंट के अंदर अर्ली मूवर एडवांटेज लेना चाहते हैं, और आज टाटा इंडिया के अंदर 85% ईवी मार्केट शेयर के साथ टॉप पर बैठे हैं। टाटा के पास आज 3 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, और इनमें भी टॉप सेलिंग व्हीकल है टाटा नेक्सॉन ईवी। और अगर गवर्नमेंट हाइब्रिड कार्स पर टैक्स इंसेंटिव देने लग जाए तो टाटा की इलेक्ट्रिक कार मार्केट और भी ज्यादा श्रिंक हो सकती है। इंडियन प्लेयर्स का हाइब्रिड कार्स को अपोज करने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है लो अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। टाटा भले ही इंडिया की ईवी मार्केट के लीडर बन चुके हों, लेकिन उनको हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की नॉलेज उतनी नहीं है जितनी टोयोटा या होंडा जैसे ब्रांड्स को है। अब अगर हम स्पेसिफिकली टोयोटा की बात करें तो वो कुछ ऐसी हाइब्रिड कार्स लेकर आ रहे हैं जो इंडिया के अंदर कार्बन इमिशंस को और भी कम करने में मदद कर सकती है, जैसे कि टोयोटा की फ्लेक्स फ्यूल हाइब्रिड कार कोरोला ऑल्टिस हाइब्रिड। टोयोटा ने इसी साल 11 अक्टूबर को इंडिया में
टोयोटा करोला ऑल्टिस हाइब्रिड को एज ए पायलट प्रोजेक्ट व्हीकल लॉन्च करा है और टोयोटा आज इंटरनेशनली 2 लीटर पेट्रोल इंजन वाली कार सेल कर रही है जो E85 एथेनॉल पर चलती है। इंडिया का टारगेट 2020 तक 30% प्राइवेट व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में शिफ्ट करने का है और जैपनीज कार मेकर्स का फोकस बाकी बचे हुए 70% पर है जिसको वो फ्लेक्स फ्यूल और फ्लेक्स फ्यूल हाइब्रिड कार से रिप्लेस करना चाहते हैं क्योंकि 2030 तक इंडियन गवर्नमेंट पूरे देश में E20 फ्यूल इंजन्स को कंपलसरी कर देगी। जैपनीज ब्रांड एक्चुअली अपनी हाइब्रिड कार्स को एक ब्रिज की तरीके से लेकर आ रहे हैं जो IC इंजन वाली गाड़ियों से इलेक्ट्रिक कार्स की दूरी को कम करेगी क्योंकि इस वक्त इंडिया के अंदर कोई भी EVs को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। इस बीच में ये भी बोलना चाहूंगा कि इंडियन ब्रांड्स का EVs को अभी से पुश करना भी काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि इससे वो अपनी मार्केट जल्दी बना पाएंगे और वैसे भी अगर वो अभी से EVs को लॉन्च नहीं करेंगे तो EVs के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे तैयार होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए विद द बेल आइकन क्योंकि बहुत ही ज्यादा मेहनत जाती है ऐसी वीडियोस बनाने में। इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपके क्या विचार हैं हाइब्रिड और EVs के इस टसल के बारे में। थैंक यू।